फार्माकोग्नोसी दैट इज कल्टिवेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ कल्टिवेशन? कल्टिवेशन मीन्स फिनोमिना ऑफ ग्रोइंग द प्लांट ऑन अ पीस ऑफ लैंड बाय डिगिंग अप और लूजिंग द सॉइल और बाय डिस्ट्रॉइंग द वीड्स and by increasing soil aeration and water infiltration to promote the growth. That is, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो soil है उसको loose किया जाता है, उसको proper aeration provide की जाती है, water दिया जाता है, then जो कोई weeds वगैरह हैं उनको remove कर दिया जाता है. Next, what are the advantages of cultivation? First is better quality and purity. ड्रग के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की वजह से उस ड्रग का थेरेप्यूटिक यूज होता है. तो अगर हमें ड्रग की कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेटर चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस ड्रग को, उस क्रॉप को प्रॉपर फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए जाए, मेन्योर प्रोवाइड की जाए, ठीक है, इरीगेशन उसकी प्रॉपर, उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाए ताकि उसकी बेटर क्वालिटी हम क्रॉप की बना सकें. नेक्स्ट क्या है, प्योरिटी. प्योरिटी में क्या है, जब हम जो वीड्स डेट इज खरपतवार जो लग रही है उसको रिमूव कर देते हैं तो नेचुरली वो ड्रग क्या है, प्योर फॉर्म में हमें मिल रही है, ठीक है. और साथ साथ में जो मान लो उस ड्रग के साथ कुछ कोई और प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो हम उनको अलग करते जाएं ताकि जो हमारी मेन क्रॉप है उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहे. तो इस तरह हमें एक प्योर ड्रग मिल सकती है. नेक्स्ट इज बैटरी. बैटरी में क्या है कि जब हम किसी ड्रग को कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कुछ प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल ओपियम के फूड को कलेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कट दिया जाता है, उसके अंदर से एक फ्लूड निकलता है वाइट कलर का, उसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है. तो वो कट किस टाइम देना है, उसमें से कितना फ्लूड कलेक्ट कर सकते हैं, वो एक प्रोफेशनल स्किल के द्वारा ही पता किया जा सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ओपियम में क्या होता है, हम उसमें थ्री से फोर टाइम्स तक हम उसमें से लेटेक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द अल्टरनेटिव डेज. इसी तरह जो डिजिटलिस है, डिजिटलिस की लीव्स को कलेक्ट करते टाइम हमने ये ध्यान रखना है कि उसमें जो मॉइस्चर है डेट शुड नॉट बी मोर देन 5% और जो उसका टेम्परेचर है डेट शुड बिलो 60°C. अगर वो उससे ज़्यादा होएगा तो उसमें क्या होता है, कंटेमिनेशन के चांसेस है, क्योंकि उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स खराब हो सकते हैं मॉइस्चर की वजह से, एंजाइम की वजह से, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो इसलिए हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हम बेटर ये ले सकें. नेक्स्ट इज रेगुलर सप्लाई. रेगुलर सप्लाई में क्या है कि हमारी जो ड्रग है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज़ की जा रही है, मतलब वो रॉ मटेरियल लेके उससे ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर इंडस्ट्री को प्रॉपर टाइम पे वो ड्रग अवेलेबल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, आगे फर्दर शॉर्टेज होती जाएगी हर चीज़ की. तो इसलिए हमें एक अपनी क्रॉप को प्रॉपर प्लानिंग के साथ कल्टीवेट करना है. नेक्स्ट क्या है, लीड्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनको हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोका और कॉफ़ी को केरला में बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा रहा है. इसी तरह जो सिंकोना एल्कलॉइड्स है उनकी फैक्ट्री है दार्जिलिंग के अंदर, और ओपियम है जो उसकी फैक्ट्री है दैट इज इन गाजीपुर यूपी के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लाइक म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी. म्यूटेशन मतलब क्या है कि जेनेटिक चेंजेस होना, किसी भी वजह से जेनेटिक चेंज होना, वो सेल में कोई चेंज हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द सेल ऑफ द प्लांट और मे बी ड्यू टू द ट्रिगर दैट इज बहुत ज़्यादा कोई हॉट टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, मतलब किसी भी वजह से कोई फ्लक्चुएशन हो रही है तो उस वजह से म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है. तो म्यूटेशन की वजह से हम नई वेराइटीज़ को भी ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, दैट इज इट कंटेन मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स. फॉर एग्जाम्पल है एप्पल, पीनट, बनानास. बनाना इसमें से क्या है, ट्राइप्लॉइडी के अंदर आता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन. फर्स्ट इज डिफिकल्ट टू असेस इन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स और फॉरेस्ट में कल्टीवेशन करनी डिफिकल्ट हो जाती है. सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हम ड्रग्स कल्टीवेट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है, उनके लिए बहुत सारी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, मनी चाहिए, तो इस तरह ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, लॉसेज ड्यू टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस दैट इज स्टॉर्म आ गया, ड्रॉट हो गया, रेनफॉल रेन ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से कल्टीवेशन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है. नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन. देयर आर 2 मेथड ऑफ कल्टीवेशन दैट इज सेक्सुअल कल्टीवेशन एंड असेक्सुअल कल्टीवेशन. सेक्सुअल कल्टीवेशन है जो हम कैसे करते हैं, बाय प्रोपगेशन विद द सीड्स. प्रोपगेशन मतलब खेती करना,
दैट इज बाय द सीड्स, हम सीड्स के थ्रू क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं. असेक्चुअल कल्टिवेशन में क्या होता है, प्रोपगेशन विद द वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज हम उसमें कोई उस प्लांट का कोई पार्ट यूज करें, स्टेम है, रूट है, लीव्स है, हम कोई भी पार्ट यूज करके उसके थ्रू कल्टिवेशन कर रहे हैं. फर्स्ट इज सेक्सुअल कल्टिवेशन मेथड, द प्लांट्स आर रेज फ्रॉम सीड्स नॉन एज सीडलिंग. तो इसकी एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल कल्टिवेशन की, फर्स्ट इज इट इज लॉन्ग लाइफ, ठीक है, सेकेंड क्या है चीपर, हमें कोई प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट क्या है, इजी टू राइज, नो स्पेशल टेक्निक इज रिक्वायर्ड टू ग्रो दैट प्लांट्स. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स, फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, दैट इज हम ब्रीडिंग के थ्रू नई वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को डिवेलप कर सकते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ कल्टिवेशन, फर्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब जो इसमें प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, दैट इज प्लांट अप्रोप्रिएट होते हैं, ठीक है. लो यील्डिंग कैपेसिटी, इनकी जो यील्ड है वो लो होती है. कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड इज मोर, हम इसको कट करते हैं जब हार्वेस्ट करते हैं और जो पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. रिक्वायर मोर टाइम टू बियर फ्रूट्स, इन पे सेक्सुअल कल्टिवेशन में क्या होता है, जब फ्रूट्स आने में तो टाइम बहुत लगता है, बट जब फ्रूट्स आते हैं वो हैवीली होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फ्रूट्स इसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट मेथड्स ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन, देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन, फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, सेकेंड इज डिबलिंग, थर्ड इज मिसलेनियस. फर्स्ट मेथड इज ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जो सीड्स यूज किए जा रहे हैं दैट आर वेरी स्मॉल साइज, सीड्स को सिंपली क्या किया जाता है, स्कैटर किया जाता है फ्रीली इन वेल प्रिपेयर्ड सॉइल फॉर कल्टिवेशन. द सीड्स नीड्स ओनली रेकिंग, मतलब हम सिंपली इसको स्कैटर करते हैं. इफ़ दे आर डीपली सोन, अगर हम उन सीड्स को डीपली सो करें तो वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाते, इस वजह से सिंपली हम उनको स्कैटर करते हैं. नेसेसरी थिनिंग ऑफ द सीडलिंग इज डन बाय कीपिंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, दैट इज थिनिंग में क्या होता है, वो प्लांट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और जो बीच में जो प्लांट्स ग्रो हुए होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, मतलब दो प्लांट्स के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है बाय थिनिंग ऑफ द प्लांट्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसमें इसबगोल है, लिनसीड है, सीसम है, इन सबको थिनिंग करके फिर ग्रो किया जाता है. ये एक ब्रॉडकास्टिंग का मेथड है, दैट इज हम उसको सिंपली स्कैटर करके ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा सीड्स को सो कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज डिबलिंग, डिबलिंग के अंदर जो हम सीड्स यूज करते हैं उनका वेट और साइज एवरेज में होते हैं, उनको हम एक गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर उन सीड्स को डाल दिया जाता है. नंबर ऑफ सीड्स टू बी पुट इन होल्स वेरी फ्रॉम 3 to 5, ठीक है. जो सीड्स हम यूज कर रहे हैं वो 3 to 5 हो सकते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द विटैलिटी, मतलब वो प्लांट जब ग्रो करता है तो वो कितना स्ट्रांग होएगा, सेक्स ऑफ द प्लांट नीडेड फॉर द पर्पज, हम उस प्लांट का मेल या फीमेल सेक्स यूज कर रहे हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पज, द साइज ऑफ द प्लांट कमिंग आउट ऑफ द सीड्स, एक प्लांट ग्रो करने के बाद कितने साइज में बाहर निकलता है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम होल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ सीड्स को डिबल करना है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फैनल 4 to 5 फ्रूट्स ऑफ फैनल्स आर पुट इनटू अ सिंगल होल कीपिंग डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन बिटवीन द होल्स, मतलब इन केस ऑफ कैस्टर 2 to 3 सीड्स आर रिक्वायर्ड एंड इन केस ऑफ पपाया द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, दैट इज ईदर मेल और फीमेल हो सकता है, बट जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है दैट इज फीमेल प्लांट होते हैं, तो इस केस में हम 5 to 6 सीड्स हैं जो डिबल करते हैं. दिस डिबलिंग मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है डिबलर, इसके थ्रू मिट्टी में होल कर दिए जाते हैं और फिर सीड्स को इनके अंदर डाल दिया जाता है. नेक्स्ट है मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि जो हम पहले सीड्स को नर्सरी बेड पे ग्रो करते हैं देन जब उसकी सीडलिंग्स बन जाती हैं तो हम उसको मेन फॉर्म में मेन फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल सिंकोना, कार्डमम, क्लोव, डिजिटेलिस, कैप्सिकम, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम पहले नर्सरी में ग्रो करवाते हैं देन हम सीडलिंग बनने के बाद इनको मेन फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं. दिस इज अ पिक ऑफ मिसलेनियस, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लांट को हम नर्सरी के अंदर ग्रो करवाते हैं, जब उसकी सीडलिंग बन जाती हैं तो हम उसको मेन फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं. नेक्स्ट है
स्पेशल ट्रीटमेंट टू द सीड्स, दैट इज बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनका कोट ऊपर से हार्ड होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो उस केस में हम उसको पहले पानी के अंदर सोक करवाते हैं ताकि वो कोट नरम पड़ जाए और इजीली जर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जांपल कैस्टर के सीड्स हैं। इसी तरह कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सोक किया जाता है, फॉर एग्जांपल हैनबेन सीड्स, दैट इज हायोसाइमस नाइगर के सीड्स होते हैं जो कि फर्दर एज अ सेडेटिव यूज़ हो रहे हैं, एनाल्जेसिक यूज़ होते हैं, अस्थमा के लिए यूज़ होते हैं, रूमेटिज्म के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस केस में इनको प्रॉपरली जर्मिनेट करवाने के लिए हम उनको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सोक करवाते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में हम असेक्सुअल मेथड्स के बारे में डिस्कस करें।